कॉन्ट्रास्ट स्विंग में क्या होता है कि बॉल की सीम को हमें बिल्कुल सीधा रखना होता है। जब एयर प्रेशर पड़ता है सामने से, हवा का प्रेशर पड़ता है, तो रफ की तरफ क्या होगा, हवा का जो फ्लो है देखो सीम ने डिस्टर्ब कर दिया है, ये तो पता ही कि सीम डिस्टर्ब करेगी, लेकिन जो डिस्टर्बेंस होगा ना ऊपर रफ की साइड ज्यादा होगा, इस तरफ डिस्टर्बेंस कम होगा, तो यानी कि मोर टर्बुलेंस लेस प्रेशर होगा, लेस टर्बुलेंस ज्यादा प्रेशर होगा, तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ बॉल स्विंग करेगी। इसका मतलब क्या है कि बॉल हमेशा रफ सर्फेस की तरफ स्विंग करेगी। आप बैट्समैन हो, मैं आपको ऐसे बॉलिंग करवा रहा हूँ, और ये रही रफ साइड, ये रही स्मूथ साइड, तो जब मैं इसको स्विंग करवाऊंगा तो बॉल जो है ना इस तरफ मूव करेगी रफ की तरफ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट मैच।